हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पायनियर अपडेट्स में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है, एएनएम और स्टाफ नर्स की भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप लोगों को पता है, इसका स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था, चाहे एएनएम का हो चाहे यहाँ पे स्टाफ नर्स का हो। उसके बाद देखिए, चॉइस फिलिंग आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई थी, चॉइस फिलिंग भी आप लोगों ने यहाँ पे कर ली थी। और देखिए, चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों को यहाँ पे आना था अलॉटमेंट। तो देखिए, मैंने एक वीडियो यहाँ पे कवर किया था जिसमें मैंने आपको अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, तो वो डेट भी यहाँ पे निकल चुकी है। तो देखिए, वो डेट मैंने जो आपको बताई थी वो थी यहाँ पे 15 दिसंबर 2019, और 15 दिसंबर 2019 निकले, यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है, अलॉटमेंट आपका यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। तो ये ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक ये जानकारी आपको प्रोवाइड कर लेनी है। इसके अतिरिक्त जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और देखिए, यहीं पे वीडियो के नीचे जाना है आपको, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है अलॉटमेंट को लेकर रहेगी, आपको वो मिस नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहेगी अगर आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 15 दिसंबर को जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट बताई थी एएनएम और स्टाफ नर्स के अलॉटमेंट आने की, तो यहाँ पे अलॉटमेंट क्यों नहीं आया। तो देखिए, इसका मेन कारण ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे दो परीक्षा कंडक्ट कराई गई है, और मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत ही ये दो भर्तियाँ थी, एमपी ऑनलाइन के थ्रू ही ये पूरी भर्तियाँ कंडक्ट कराई गई है। तो वो भर्ती थी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, और दूसरी जो भर्ती थी यहाँ पे एसटीएस की, मीन सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। तो देखिए, ये जो भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, आप लोगों को पता है 10 दिसंबर 2019 को यहाँ पे इसकी परीक्षा आयोजित हुई थी, और देखिए ये निश्चित करा गया था कि इसकी यहाँ पे जो आंसर की है प्रोवाइड करा दी जाएगी 13 से 15 दिसंबर। तो आप लोग समझ सकते हैं, 15 दिसंबर तक का आप लोगों को कोई अपडेट देखने को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि एसटीएस और सीएचओ भर्ती का यहाँ पे जो है आंसर की वेबसाइट पे लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी, इसलिए आप लोगों को अलॉटमेंट की यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिली, चाहे एएनएम की भर्ती हो चाहे यहाँ पे स्टाफ नर्स की भर्ती हो। तो दोस्तों, कारण आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 15 दिसंबर तक यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की और एसटीएस भर्ती की, जो यहाँ पे परीक्षा आयोजित हुई थी। देखिए, इतना सारा डेटा वेबसाइट पे इकट्ठा यहाँ पे नहीं दिया जाता है, एक एक करके ही इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। एक हफ्ते का समय लग जाएगा, मीन 7 से 8 दिन आपको यहाँ पे लग जाएंगे, आप लोगों का अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, 7 से 8 दिन का समय मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि देखिए, अभी और भी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, जो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है आयुष मेडिकल ऑफिसर की भर्ती, तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आना है, तो थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा 7 से 8 दिन का, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी कैंडिडेट थे, आयुर्वेद वाले थे और यहाँ पे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे यूनानी चिकित्सा वाले भी डॉक्टर्स थे, तो इनका भी यहाँ पे अपडेट आएगा, तो इसका अपडेट थोड़ा जल्दी आएगा, फिर आप लोगों का यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, डेंटल सर्जन, लैब टेक्नीशियन और एसटीएनएस भर्ती भी यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, तो उनका भी अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि ये भर्तियाँ काफ़ी समय हो चुका है, इनका भी अपडेट दिया जाना है, काफ़ी कैंडिडेट्स इनका भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे इकट्ठी यहाँ पे नहीं दी जाती है, एक एक करके ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट पे आती है, और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। 7 से 8 दिन में आप लोगों का, मीन्स 25 से 26 तारीख तक आप लोगों को यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी है आप लोगों का अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे जो भी तैयार रखनी है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा जो भी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, करीब करीब 26 तारीख तक का आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। आप लोगों को हो सकता है 2 ही दिन में इन्फॉर्मेशन आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 4 दिन में अपडेट आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपडेट जो है एक हफ्ते के अंदर जो है सेफ जोन है, जो मैंने टाइम बताया है इसी के अंतर्गत वो आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, कौन सी पोस्ट है, एएनएम की है चाहे आप लोगों की यहाँ पे स्टाफ नर्स की है, पोस्ट बताइएगा, कैटेगरी बताइएगा, और कैटेगरी में आपके यहाँ पे कितना स्कोर रहा है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन जो है अलॉटमेंट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पे मिस नहीं करनी है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से मिलते रहेगी। थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर लगता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।